और डावर्स डायरी में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ द यंग प्रॉमिसिंग लीडर ऑफ इंडिया फ्रॉम महाराष्ट्र वेल नो प्राइस फॉर ग्रेसिंग मैं बात करी हूँ आदित्य ठाकरे इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि मिनिस्टर हैं फॉर टूरिज्म सर बहुत बहुत स्वागत है एंड एनवायरमेंट कोर्स गुड टू हैव यू आदित्य थैंक यू एंड यू नो एट डावोस सब लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया इज यू नो इन द स्पॉट लाइट एज वी स्पीक हमारी ग्रोथ रेट हमारी प्रेजेंस और हमारा जो आगे कमिटमेंट है एबल टू बी द क्या क्या बात हुई है मुझे है ये तो मेरी पहली बार ही है लेकिन आप शायद दो चार बार <laughs> पहले आ चुके हो जिससे भी मैं सुन रहा हूँ एक तो पहली बात ये हो रही है डाइवोर्स बहुत अलग दिख रहा है समर डाइवोर्स है जी आ, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि एक काफी अहम चीज मैं ये सुन रहा हूँ सबसे यानी यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ के जो बिजनेसमैन है और हमारे देश की भी कि इस बार स्टेट प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है जी जैसे हम हैं आंध्र है तेलंगाना है, है कर्नाटका है ये काफ़ी सारे राज्य जो है हमारे नेबरहुड्स जो खुद को भी पिच कर रहे हैं मुझे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली जब किसी भी स्टेट में हमारे इन्वेस्टमेंट आती है तो देश आगे बढ़ता है बिल्कुल तो ये एक अच्छा वातावरण बना बन चुका है हम भी अलग अलग लॉन्चेस में गए वो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं तो एक इंडिया फीलिंग है हुँ. और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें तो कोविड के बाद अगर हमें आगे जाना है तो ये इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी ये एक यूनिटी बनानी पड़ेगी दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि इंडिया आगे बढ़ रहा है okay. भारत आगे बढ़ रहा है ओके स्टेट प्रेजेंस है महाराष्ट्र ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत भीड़ देखी हमने देखा बहुत सारे एमओयोज बायोलैचुरस हो रहे हैं पहले तो बताइए किस तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट करें इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट अभी देखे? तो काफी सारी तीन दिन में काफी सारी मीटिंग्स हुई है मुझे लगता है ऑलमोस्ट दिन भर में पंद्रह से बीस मीटिंग होती रहती है तीन मंत्री है मैं हूँ सुभाष देसाई साहब है जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है नितिन राउत साहब है जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कल हमने तीस हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के एमओयू यू साइन किए ये अगर आप देखें तो मैग्नेटिक महाराष्ट्र में पिछले दो साल में जो भी हमने एमओ साइन किए थे क्योंकि काफी बार ऐसे होता है एम यू साइन होते हैं और फिर वहीं पे भूल जाते पेपर पे बट तो ये आगे ले जाए ये पिछले दो साल के भी हमने ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट एग्जीक्यूट कर दिए है लैंड hmm. अलॉटमेंट हो गई है काम शुरू हो गया okay. तो इसी विश्वास से लेके जो सारे इन्वेस्टमेंट्स अभी आए हैं hmm. वो पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए जैसे विदर्भ में कुछ है मराठवाड़ा में कुछ है महाराष्ट्र ये पश्चिम महाराष्ट्र में है मुंबई रीजन में है ah. तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन ट्वेंटी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड से ये जो कंपनीज आए हैं

अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती है अलग अलग जियोग्रफिकल सिचुएं होती बिल्कुल. है बिल्कुल so सो महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगी और महाराष्ट्र में जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है उसकी तो इम्पोर्टेंस है ही बट कौन से एरियाज में आपसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है जहाँ लोग आना चाहते हैं डेटा सेंटर्स आई नो डेटा सेंटर्स तो जाहिर सी बात है क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई का काफी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है ऑटोमोटिव हब और स्पेशली ई मोबिलिटी वो बढ़ रहा है सो इट्स इट्स अ गुड मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग ओके एंड आई थिंक इको सिस्टम जो महाराष्ट्र में है existent इन टर्म्स ऑफ government इंफ्रास्ट्रक्चर हो लॉ एंड ऑर्डर हो पीस एंड स्टेबिलिटी हो तो उसे देख के काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं ओके लोग आ रहे हैं और बहुत investments कमिट कर रहे हैं आपने कहा इन्वायरमेंट एंड ऑफकोर्स यू लुक एट इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म मैं इन दोनों ही स्पेस के बारे में आपसे जानना चाहूँगी जिस तरह से आप ऑफकोर्स लीड करें वी कीप you यू know, कम um, uh, uh, on द पॉलिसी फ्रंट क्या um, आगे हम एक्सपेक्ट करेंगे फॉर द स्टेट इन बोथ दीज एरियाज? सो इसमें दो बातें हैं एक तो इन्वेस्टमेंट की बातें हैं और दूसरा गवर्नमेंट से लेकर कमिटमेंट भी है uh, कल हमने वेफ के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जो ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है वे प्रॉब्ली द फर्स्ट रीजनल गवर्नमेंट अराउंड टू पार्ट ऑफ इट तो वो एक कमिटमेंट हमने करी है Uh, काफ़ी सारे मीटिंग कांग्रेस सेंटर में बाहर भी आज हम अरसल मित्तल से बात कर रहे थे तो उनके साथ भी यही बात हुई कि ग्रीन स्टील की ओर हम कैसे जा सकते हैं okay. uh, अगर ई e मोबिलिटी में गाड़ियां बन रही है तो उसमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कैसे ला सकते हैं स्पेशली विद स्टील प्रोडक्ट्स एंड एवरी तो ये काफ़ी सारे डायलॉग्स हो रहे हैं ये इको भी बनाना बहुत जरूरी है कि अगर ई e मोबिलिटी की बात करें तो चार्जिंग स्टेशन आते हैं आई नो उसके साथ इको सिस्टम अलॉन्ग विद चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ ग्रीन पावर भी आना जरूरी है बिल्कुल सो so, ये इको तो एंसिलरीज आते हैं सप्लाई चेन्स आते हैं तो sure. uh, तो दिस इज इज समथिंग गोइंग ऑन। ग्रीन एंड की की, आपने बात बट महाराष्ट्र में uh, किस तरीके के आगे पॉलिसी, यू नो, इनिशिएटिव्स होंगे? आप कहां पर फोकस ज्यादा तो हाँ yeah. होती है लेकिन uh, एक है कि में हमने पिछले दो सालों में काफी सारे बड़े लीप्स एंड बाउंसेस स्ट्राइड किए हैं जैसे हमारे जो लाइसेंसेस थे फॉर सेटिंग अप अ होटल 80 से लेके हमने 10 पिलाए हैं पंद्रह जो एन थे वो नौ सेल्फ सर्टिफिकेट्स पे लाए हैं तो काफ़ी सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इंडस्ट्रीज uh, में और होटल्स में अभी जैसे होटल को हमने इंडस्ट्री स्टेटस दिया है तो वैसे सारे चेंजेस हो रहे हैं मैं देसाई साहब और राउत साहब से भी बात कर रहा था कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफ़ी सारा काम किया है तो ईज़ ऑफ कंप्लायंस में भी हम काम कर रहे हैं एक बार इंडस्ट्री सेटअप हो जाए exactly. तो उसको आगे जाते हुए को कोई तकलीफ ना हो कोई कंप्लायंस की तकलीफ ना हो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स हो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हो वो फॉलो किए जाए लेकिन जो दिक्कतें आती है लाइसेंस राज है वो कम होना चाहिए आई थिंक इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा एक फायदा होगा अगर ये चीजें चली जाए बिकॉज वहाँ पर वो दिक्कत अभी भी फेस करते तो कम्पलायंस पर भी काम हो रहा बिल्कुल अर्बनाइजेशन और मुंबई से ज्यादा बेहतर इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता जो अभी दिक्कत है ऑफ कंजेशन ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं आप कैसे खोलेंगे महाराष्ट्र में कैसे इंश्योर करेंगे कि एक एक ईज ऑफ लिविंग हो लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बने बिल्कुल उस पर मैं जानती हूँ आप कोस्टल रोड्स पर काम कर रहे हैं बट सिटीज पे भी काम कर रहे हैं शहरों पे काम कर रहे हैं क्योंकि ऐसे है कि ईज ऑफ लिविंग ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें करते हैं लेकिन ईज ऑफ लिविंग ये इम्पॉर्टेंट है अगर आप देखें कहीं पे भी, भी दुनिया में अगर जैसे आप हम आज डा, डावोस में आए हैं कई दूसरे शहरों में जाए तो द फर्स्ट थिंग एनी वन लुक सेट इज़ वहाँ का वहाँ की हवा कैसे है वहाँ का पानी कैसा है चलने के लिए सड़कें है क्या यानी फुटपाथ है क्या गाड़ी के लिए सड़कें है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी ऑफ लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ और फिर अगर वो हो तो लोगों को आके वहाँ बसना पसंद होता है वो होगा तो अच्छी स्कूलें होती हैं हॉस्पिटल्स ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन हॉस्पिटल्स भी होते हैं mm. और वो अगर वो होगा तो बिजनेस आते हैं तो दिस इज़ द मॉडल वी नीड टू अडॉप्ट अडोप्टन स्पेशली स्टेट लाइक महाराष्ट्र जहाँ 43 थ्री सिटीज़ है जो मिलियन प्लस है तो so, अभी हमें एक अपरचुनिटी मिली है कि उसको किस तरफ लेके जाए हम डब्ल्यू के साथ काम कर रहे हैं uh, कल ही उनके चेयरमैन से मेरी मुलाकात हुई अनिदास गुप्ता काफ़ी सारा काम कर रहे है जैसे हमने अपनी कॉन्सेप्ट शुरू किया सेफ स्कूल्स 500 मीटर का जो रेडियस है हर स्कूल का वो सेफ हो जाए ऑल ओवर महाराष्ट्र ऑल ओवर महाराष्ट्र लेकिन मुंबई में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है पूना नागपुर नासिक संभाजीनगर ये शहरों में भी भी होगा लेकिन अंदर भी अगर आप जाए तो मेंटल चेकअप डेंटल चेकअप डायबिटीज़ मैनेजमेंट और आई चेकअप अलॉन्ग विध ऑफकोर्स सैनिटरी पैड एंड नो द रेस्ट ऑफ थिंग इट कम टूगेदर तो ये सारी चीज़ों पर हम फोकस करें क्योंकि अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ क्योंकि देखो शहर ये अभी अट्रैक्शन बनते जा रहे हैं पहले अर्बनाइजेशन वॉज अ थिंग बी फ्यड बहुत डर लगता था हमारे देश को कि अर्बनाइजेशन हो रहा है लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक अट्रैक्शन है जी. लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं अगर ये हो रहा है तो शहरों की क्वालिटी कैसे सुधारी जाए जो फिफ्टीन मिनट से टी कहते हैं वो शायद पॉसिबल अभी ना हो क्योंकि हमारे शहर जो है वैसे प्लान नहीं हुआ था लेकिन आगे जाते हुए जब बड़े ही डेवलपमेंट्स हो गए जैसे धारावी हो या मुंबा देवी हो वहाँ हम कैसे इसको 15 मिनट से 5 मिनट ला सकते हैं वॉकिंग सिटी कैसे कर सकते हैं कोस्टल रोड्स एंड मेट्रोज जिस तरह से कनेक्टिविटी अब हम देख रहे हैं नवी मुंबई बिल्कुल uh, इस पर बताइए सर क्योंकि लोगों का बहुत इंटरेस्ट है ये जानना चाहते हैं लेकिन इसमें मेरी uh, दो तरफ बातें चलती रहती है uh, एक तरफ है ऑफकोर्स बड़े प्रोजेक्ट जैसे एम टी एच एल है ट्रांसाबल लिंक है कोस्टल रोड है गोरेगा लिंक रोड हो Uh, या फिर जो हमने नरिमन पॉइंट ऑफ परेड कनेक्टर भी प्रपोज किया है ईस्टर्न फ्रीवे का एक्सटेंशन है ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है और ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इसको लेके हम हर हफ्ते बैठते हैं एम एम आर डी में हो कभी बी एम सी में हो कभी मंत्रालय में हो सारी एजेंसीज़ को क्योंकि अभी तक कैसे होता था कि बी एम सी हमारे साथ थी स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं थी तो जो सोलह एजेंसीज काम करती है वो कभी कभी दिक्कतें आती थी अभी सब एक टेबल पर बैठती है और हर हफ्ते कंप्लाइंस रिपोर्ट होता है कि हमने क्या काम किया अच्छा तो दैट इज़ गुड प्रोग्रेस लेकिन जैसे हम ये बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे वैसे ही मुझे लगता है कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं हर गली के जो फुटपाथ्स होते हैं छोटे गार्बेज डम्स होते हैं बस स्टॉप जो बदल रहे हैं बसेस हम जो ई बसेस ला रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी डों बिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं जैसे अभी मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ईस्टर्न फ्री वे एस सी एल आर जेबीएल एजीएलआर ये छह रोड है जो लाखों मुंबई कर हर दिन इस्तेमाल कर दिक्कतें होती है टॉयलेट्स नहीं है लेकिन अभी सारी एजेंसीज है पीडब्ल्यू डी एम एस आर डी सी एम एम आर डी ए बी एम सी सबको एक साथ करके इन द नेक्स्ट वन ईयर यू सी अलॉट ऑफ चेंजेस इन द रोड सर्फिस ट्रैफिक डिजाइन एस्थेटिक्स टॉयलेट्स पार्किंग बेस बस स्टॉप साल में एक से लेकर डेढ़ साल में क्योंकि हम थोड़ा छः से आठ महीने हम हमारे बारिश में जाते हैं वो भी हम सोच रहे हैं कि सिंगापुर जैसे देश के साथ बात कर रहे हैं हम कि जो कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसे बरसात के टाइम कर सकते हैं क्योंकि उनके exactly. तो बरसात बारह महीने शुरू होती जी, जी, तो तो है अच्छा इसमें भी काफी सारे ऐसे होते हैं ट्रैफिक डिजाइन थिंकिंग में

कोस्टल रोड साउथ बाउंड 2023, Maximum Jan 2024. Coastal जैन Northbound 2024 कोस्टल रोड नॉर्थ बाउंड तक हो सकता है एयरपोर्ट uh, हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 24 mid तरफ हो जाएगा मेट्रो mm. सारी लाइनें जो है वो बन रही है mm. uh, दिक्कतें यही थी कि हर जो लाइन बन रही थी अपार्ट फ्रॉम वन और टू लाइंस कहीं पे भी जो कार शेड है उसकी जगह फिक्स नहीं थी नहीं। अभी हम पिछले डेढ़ साल में फिक्स करते जा रहे तो आप सोचो इवन लाइन सिक्स जो बन रही है जो जे वी एलहर पर आ रही है तो लाइन तो बन रही है लेकिन आ, कार शेड नहीं था तो ये सारी चीजें हम ला रहे हैं कंज्यूर मार्ग की बात अगर करें जो हम लाइन थ्री का लेके जा रहे थे तो फोर फोर्टीन थ्री और सिक्स ये एक साथ बनती थी कार शेड तो ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड क्रोस की सेविंग होती थी ठीक है उसमें थोड़ी राजनीति हुई अभी ये वक्त नहीं है ये मौका नहीं है राजनीति की बात करने का ये जगह नहीं है लेकिन आएगा आएगा जल्दी आएगा। मैं, बट यू you नो know, हम बात कर रहे हैं आपने कहा सबको एक टेबल पर होना जरूरी है तो इस पॉइंट से मैं जाना चाहूंगी स्टेट और सेंटर के बीच में भी जो आप यू you नो know, आप प्रपोजल्स देते हैं बात करते हैं अब रिसेप्शन कैसा दिख रहा है कई कई चीजों पे होते रहता है कई कई चीज़ों पे थोड़ी नोकझोंक होती है लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें मेचोर दोनों ने लेना चाहिए और आगे चलना चाहिए क्योंकि ये जो भी हम बना रहे हैं ये हाँ एक तरफ से देखिए तो हम खुद के लिए है क्योंकि हम सिटीजन नागरिक हैं हम इस्तेमाल करने वाले हैं लेकिन ये कोई हमारे बात नहीं है देश की बात है जी। और उसमें भी हम यही देख रहे हैं की अगर हम सस्टेनेबिलिटी देखें दो चीजों में एक तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक अगर ये दोनों अगर मैच हो रहा है देखिए जो तो आप कह रहे अच्छा हैं वो सेंटर भी कह रहा है उनको भी यही करना है तो मिलकर काम करके जैसे अभी हम सब साथ में काम कर रहे हैं बिल्कुल तो अगर ऐसी बातें हो तो अच्छा है देश आगे बढ़ेगा क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त तो थ्रू नहीं है काम जैसे कि आपको लगता है कुछ ऐसे फीडबैक है जो आप चाहें यह, सरकार सुने और समझे ये चीजें जेनुन है जो स्टेट को चाहिए और उनका आपको सपोर्ट नहीं कुछ कुछ बातें कम्युनिकेट होती रहती है जी। uh, तो मुझे लगता है आगे साथ में बढ़े तो देश को आगे ले जा सकते हैं और जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे सब साथ में सब साथ में। और सब हम इंडिया हाउस जा रहे हैं इंडिया पवेलियन जा रहे हैं इंडिया पवेलियन के लोग यहाँ आ रहे हैं आंध्र प्रदेश जो हमारे नेबर है असल में भी और यहाँ भी वो हमारे यहाँ है तेलंगाना हम उधर जा रहे हैं अच्छा कल भी मैं जब जाके किस तरीके का ग्रोथ टारगेट uh, आप रखेंगे स्टेट के लिए? अगले, uh, पांच साल का विजन अगर हम मुझे टारगेट सेटिंग करना बहुत ईजी और हम काफी समय बोलते हैं कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमारे स्टेट के लिए यू you नो know, ये इतने जीरोज़ लगने चाहिए उतना ट्रिलियन लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारा यही वक्त है कि कोविड से जब बाहर आ रहे हैं तो उसमें दो तरफ है एक तो ऑफकोर्स जो बेस लोकल इकोनॉमी जो स्मॉल ट्रेडर्स है एमएसएमई एस है उनको कैसे सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट uh, को भी काफी सारा झटका हुआ है क्योंकि हमारा सारा पैसा जो है वो हेल्थ केयर में लगा हुआ था बेसिक hmm. इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड किया जाए स्कूल्स और यू नो हेल्थ केयर ये जो बेसिक से उस पे फोकस कर रहे हैं अग्रेरियन इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट देना जरूरी तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं वो एक तरफ है और दूसरी तरफ हम जो वेलफेयर स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी कैसे बैलेंस किया जाए वो हमारा पहला प्रायोरिटी रहे वेरी okay, गुड थिंग एक्चुअली मोर रियलिस्टिक देन चेजिंग नंबर्स एक सवाल था एक रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि मुंबई विल फेस राइजिंग

हम बात कर रहे हैं कि 1.5 डिग्रीज राइस की अगर 1.5 डिग्रीज के ऊपर जाए तो काफा काफ़ी सारा जो आर्कटिक और अंटार्कटिका का आइस है वो मेल्ट हो जाएगा बर्फ पिघलेगा तो पानी का लेवल मीटर्स से बढ़ेगा ना सिर्फ सेंटीमीटर्स इंचेज तो दिस इज़ आई थिंक स्केरी फॉर द इंटायर वर्ल्ड एंड वी नीड टू थिंक ऑफ वे वी आर गोइंग हाउ वी आर गोइंग तो बिल्कुल जैसे अभी नेदरलैंड्स ने डाइक्स बनाए हुए हैं तो हम मेरी मुलाकात जब नेदरलैंड्स के एनवायरनमेंट मिनिस्टर से हुई तो ये भी हम सोच रहे हैं कि कुछ उससे क्या आइडियाज ले सकते हैं लेकिन हमें ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ेगा रीजनल लेवल पे काम करना पड़ेगा और क्लाइमेट एक्शन के लिए 2030 तक से पहले हमें क्या क्या करना है उस पर अभी से काम शुरुआत करना एक जो बड़ी समस्या है जॉब क्रिएशन एंड आई थिंक आपने हमेशा कहा है कि वो आपके लिए प्रायोरिटी है स्टेट के लिए कैसे जॉब्स और बढ़ेंगी क्या किया जाएगा कोई एक प्रॉपर पॉलिसी उस पर शाश्वत विकास का जो हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई गिव यू सिंपल एग्जांपल ई मोबिलिटी वॉट यू वर्किंग ऑन जैसे दस हज़ार बसेस हम मुंबई के लिए सोच रहे बट ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रिक बीस uh, हज़ार महाराष्ट्र के लिए हर हर एक शहर की अलग अलग अंदाज है पूना शायद दे, डेढ़ डेढ़ के आसपास है नासिक भी उतना ही है

Uh, एक दिक्कत यही है कि हम कोल के बारे में थर्मल प्लांट्स के बारे में बात करते हैं एक ऑप ट्वेंटी सिक्स ओ पी एम साहब की भी अनाउंसमेंट है कि हम फेस डाउन करेंगे लेकिन अलोंग विद डैट अपनी जो रिन्यूबल एनर्जी की क्षमता है उसे बढ़ाना जल्द से जल्द बढ़ाना मुझे लगता है ज़रूरी है फर्म पावर के सोर्सेज हो आ, सोलर हो विंड हो हाइड्रोजन हो हाइड्रल हो इसको स्केल अप कैसे किया जाए फर्म कैसे किया जाए अफोर्डेबल कैसे किया जाए उस पर काफ़ी सारा रिसर्च इनोवेशन चल रहा है मुझे लगता है कि हर एक राज्य में अगर थोड़ा कोऑपरेशन बढ़े मैंने आ, बीच में एक लेटर भी लिखा था खत लिखा था हमारे केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री उनको कि जैसे जीएसटी का काउंसिल है वैसे इन्वायरमेंट का काउंसिल करें। और सारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स को साथ में लेके इस पर थोड़ा थाट प्रोसेस हो तो ग्लोबली जो थिंकिंग चल रही है उसको हमारे और ये सभी स्टेट्स की प्रॉब्लम है आई थिंक सब ये सबके लिए अच्छी एक सुझाव हो सकता है ओके okay, आदित्य आपको आ, आप एक यूथ आइकन हैं लोग आपको देखते हैं इंस्पायर होते हैं हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देंगे नए जो युवा पीढ़ी है आ, आप क्या करते हैं ऐसा जिससे यू नो जिससे वो वो भी बन पाए एक तरह से मुझे लग पार्टिसिपेट कर पाए इंडिया स्टोरी नहीं मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि खुद के लिए अगर मैं सोचूं तो मैं शहर के लिए सोच रहा हूँ क्योंकि यहीं मैं तो जीने वाला हूँ पचास सौ साल जितना जी सकूँ लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जीना है तो मेरे शहर के लिए क्या करना पड़ेगा और इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिक्स यू कैन डू इट थ्रू यू नो वॉट एवर फील्ड यू वॉन्ट एजुकेशन हेल्थ केयर जो भी फील्ड है आप सबसे ज़्यादा पैशनेट किसके लिए पॉलिटिक्स क्योंकि उसी एक ये प्रोफेशन है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं जैसे गवर्नेंस से अभी हम, हम हमारे स्कूलें सुधार रहे हैं हेल्थ के सुधार रहे हैं हम ई e बसेस ला रहे हैं एंड दिस वॉट आई डू प्रॉब्ली दो तीन साल बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि ई बसेज वॉज समथिंग वेर आई प्लेड अ पार्ट फाइव इयर्स अगो और टुडे बट द फैक्ट इज दैट यू फील एंड ऑफ इंडिया आपका एक दिन कैसा होता है यूजली कैसे स्पेंड करते हैं पूरा दिन इज ऑफ कोर्स प्रायरिटीविटी इन टर्म्स ऑफ नया क्या करना है नया क्या सोचना है किससे मिलना है लेकिन गवर्नमेंट uh, में जब बैठते हैं तो आप ये भी रियलाइज़ करते हैं कि फायर फाइटिंग भी काफ़ी सारा करना पड़ता है <laughs> कहीं of कुछ course. ना कुछ यू नो अनफॉर्चुनेट होता है या कुछ अच्छा होता है तो वहां भाग के मुलाकात करनी पड़ती है जैसे अभी यहाँ से जाके हम एमओ यू साइन कर रहे हैं तो दैट वीज सडनली पुट इन टू द शेड्यूल सो दीज थिंग्स गो ऑन आई थिंक इट्स यू एंजॉय वॉट यू डू एंड यू डू इट टू द पर्पज ऑफ डूइंग गुड थिंग्स गो ऑन हम आपको जल्दी नेक्स्ट सी देखेंगे नहीं जो चल रहा है अच्छा है हम जैसे सेवा कर सकते हैं वैसे सेवा कर सकेंगे ओके वंडरफुल गुड टू स्पीक थैंक यू सो मच आदित्य प्लेजर थैंक थैंक यू